नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आइडियाज़ फॉर लाइफ में। ये करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है। अगर पहला दो पार्ट पहले ही अपलोड कर किया हूँ मैं। अगर पहला दो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पद्मा अवार्ड्स 2017। पद्मा अवार्ड्स जो है ये तीन कैटेगरीज में दी जाती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस साल 89 लोगों को दिया गया ये अवार्ड, जिसमें 7 पद्म विभूषण मिला है, 7 को पद्म भूषण मिला है और 75 लोगों को पद्मश्री मिला है। पद्मा विभूषण में जिनका नाम 7 लोगों का नाम इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत है, पद्म विभूषण भी है, भूषण भी है। इसमें देखते हैं पद्म विभूषण में लेट श्री पी ए संगमा को मिला है पब्लिक अफेयर्स में, शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी और लेट सुंदर पतवा को, इन चारों को मिला है पब्लिक अफेयर्स में। साइंस एंड इंजीनियरिंग में उदुपी रामचंद्रा राव को मिला है प्रोफेसर, और स्पिरिचुअलिज्म में सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला है, और आर्ट एंड म्यूजिक में केजे यशुदास को मिला है। रमन मैगसेसे अवार्ड, रमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। ये 6 कैटेगरीज में मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, इमरजेंट लीडरशिप, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन। इन 6 कैटेगरीज में ये मिलता है। 2016 में थोडूर मधुवशी कृष्णा को मिला था, ये इंडिया से थे, इसे ये इम्पोर्टेंट है। 2016 में इसमें इमरजेंट लीडरशिप में इन्हें मिला था, और कम्युनिटी लीडरशिप में बेजवाडा विल्सन को मिला था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को ये 2006 में मिला था। ठीक है, और संजीव चतुर्वेदी जो हैं इन्हें 2015 में मिला था इमरजेंट लीडरशिप में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था, उन्हें मिला था कम्युनिटी लीडरशिप में, और वे थे विनोवा भावे, इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी चलती है, विनोवा भावे यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी खेल रत्न 2017, इसमें पारा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को मिला, और हॉकी से सदारा सिंह को मिला है। देवेंद्र झाझरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला है 2004 में, पद्मश्री मिला है 2012 में। ये ऐसे पहले पैरालंपियन हैं जिन्हें 2 गोल्ड मेडल मिला है पैरालंपिक्स में। ये जेवलिन थ्रो करते हैं, और 2004 में एथेंस में इन्हें पहला मिला था गोल्ड मेडल, और दूसरा रियो डी जेनेरियो में 2016 में मिला था। पंकज आडवाणी एक ऐसे अकेले इंसान हैं जिन्हें ये अवार्ड 2 स्पोर्ट्स में मिला है, बिलियार्ड्स और स्नूकर। देखिए, बिलियार्ड्स और स्नूकर एक ही दिखता, बिल्कुल एक ही जैसा है, एक ही जैसा टेबल होता है, बॉल्स भी एक ही होते हैं, बस रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और पंकज आडवाणी दोनों चीज़ खेलते हैं। तो ये ऐसे ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें ये 2 स्पोर्ट्स के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। भारत रत्न 2015, भारत रत्न, देखिए भारत रत्न हर साल नहीं मिलता है, 2015 और 2000 में लास्ट मिला था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। 2014 में ये सचिन तेंदुलकर और सीएनआर राव को मिला था। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है भारत रत्न में कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा, ऐसा कहीं भी प्रोविजन नहीं है, ये बाहरी लोगों को भी मिल सकता है। मदर टेरेसा को मिला है, खान अब्दुल गफर खान को मिला है, और नेल्सन मंडेला को मिला है। ये फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका आप नाम याद रखेंगे भारत रत्न के। ये 1954 में शुरू किया गया था, और पहला अवार्ड जो है चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, जिन सी राजा गोपालाचार्य को मिला था पब्लिक अफेयर्स में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा में, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इसमें एक गोल्डन लोटस, 10,00,000 कैश प्राइज और एक शॉल मिलता है। इस बार ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016 काशी नथुनी विश्वनाथ जी को मिला है। ये एक्टर और डायरेक्टर हैं। पहले पर्सन जिनको ये मिला था वो थी देविका रानी रोइज, एक्ट्रेस थी हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये 64वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स था, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म निर्जा को मिला। निर्जा एक एयर होस्टेस पे बनी फिल्म है, एक बहुत ब्रेव एयर होस्टेस थी वो, उन पे ये फिल्म बनी है। और बेस्ट एक्टर जो है अक्षय कुमार को मिला है रुस्तम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस सुरभि लक्ष्मी मिंगू, अच्छे से नहीं रीड कर पा रहा हूँ। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज पिंक को मिला है
बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म धनक, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये भी 1954 में शुरू किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड 2017, ये 62nd फिल्म फेयर अवार्ड था जिसमें बेस्ट फिल्म जो है दंगल को मिला है, और बेस्ट एक्टर मेल में आमिर खान को मिला है बेस्ट एक्टर दंगल के लिए, बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट जी को मिला है उड़ता पंजाब के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जो है नितेश तिवारी जी हैं दंगल फिल्म के लिए, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नेहा भसीन फॉर जग घूमया। फेमिना मिस इंडिया जो है 54th टाइम इस बार बनी है 2017 में, और वो है मानुषी चिल्लर, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। मिस वर्ल्ड 2016 जो है स्टेफनी डेल वेले हैं, और मिस यूनिवर्स 2016 जो है आयरिस मितनेरी हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लास्ट 2016 का ही है, अभी 2017 में नवंबर 18 और नवंबर 26 को ये दोनों चीज़ होने वाला है, मिस वर्ल्ड नवंबर 18 को और मिस यूनिवर्स 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि 2016 का पूछ रहा है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड इस बार 89th ऑस्कर अवार्ड था, बेस्ट मूवी जिसमें मिला मूनलाइट को, बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए डेमियन चेजेल को मिला लाला लैंड के लिए मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर केसी एफ्लेक्स मैनचेस्टर बाई सी मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को मिला लाला लैंड के लिए। बाफ्टा अवार्ड 17th टाइम इस बार हुआ है, बाफ्टा अवार्ड्स में ऑस्कर से एक ही चीज़ें अलग हैं इसमें, जो है बेस्ट फिल्म लाला लैंड है इसमें, ठीक है, ये याद रखें, बाकी सब सेम है। बेस्ट डायरेक्टर जेमियन चेजेले हैं उसमें भी वही था, बेस्ट एक्टर भी केजे एफ्लिक थे, बेस्ट एक्ट्रेस भी एम्मा स्टोन थी। स्पेशल विजुअल इफेक्ट के लिए जंगल बुक को मिला है, ठीक है। 18th आईफा अवार्ड 2017, 18th आईफा अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म निर्जा को मिला है, बेस्ट एक्टर शाहिद कपूर फॉर उड़ता पंजाब, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर उड़ता पंजाब, बेस्ट डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी फॉर पिंक। मान बुकर प्राइज या बुकर प्राइज भी से कहते हैं शॉर्ट में, इसके बारे में आपको जान लेते हैं। लिंकन इन द बार्डो को मिला है इस बार, ये नोवेल है, नोवेल का नाम है, ये जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिखा है, इनको मिला है जॉर्ज सॉन्डर्स, ठीक है। लिंकन इन द बार्डो इन्हें मिला है मैन बुकर। हमारे इंडिया से भी बहुत को मिला है जिसमें सलमान रुश्दी हैं, किरण देसाई हैं, सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरविंद अडिगा जी को द वाइट टाइगर के लिए मिला था। अरुंधति रॉय जी को भी ये पुरस्कार मिला है, उन्हें 1997 में मिला था, और उनका बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी बुक के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था। इस साल उनकी एक और नोवेल आई है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ये बुक का नाम याद रखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बाय अरुंधति रॉय, ठीक है। साहित्य एकेडमी अवार्ड्स 2016, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का हम लोग याद रखेंगे। नसीरा शर्मा को मिला है हिंदी में फॉर नोवेल परिजात, और इंग्लिश में जेरी पिंटो को मिला है फॉर नोवेल एम एंड द बिग होम, ओके। टी एस एलियट प्राइज़ ये जो है पोएट्री में मिलता है, जैकब पॉली को मिला है ये, और पुलित्ज़र प्राइज़ जो है नोवेल द अंडरग्राउंड रेलरोड को मिला है पुलित्ज़र प्राइज़। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स पे वीडियो, ऐसे और वीडियोस हम बनाते रहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तीसरा पार्ट था, पहले और दूसरे पार्ट को आप देख सकते हैं, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चलिए बाय।